मेरे परिवारजनों, संसाधन सेवा की आवश्यकता है, लेकिन समर्पण उसकी प्राथमिकता है। अरविंद भाई की सबसे खास बात यह थी कि वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी खुद जमीन पर उतरकर काम करते थे। राजकोट हो, अहमदाबाद हो, मैंने गुजरात के कोने कोने में उनका काम देखा है। मुझे याद है, मेरी आयु बहुत छोटी थी, सदगुरु जी के दर्शन करने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अरविंद भाई का संबंध मेरा रहा। मैं पहली बार अरविंद भाई को मिला कहां, तो गुजरात के साबरकांठा जिले के आदिवासी क्षेत्र भिलोड़ा। बड़ा भयंकर अकाल था और हमारे एक डॉक्टर वणिकर जी थे जिनका अरविंद भाई से अच्छा परिचय था, और मैं वहां उस आदिवासी भाई बहनों का अकाल पीड़ितों की सेवा में काम करता था। इतनी भयंकर गर्मी उस क्षेत्र में, अरविंद भाई वहां आए, पूरा दिन रहे और स्वयं ने जाकर के सेवा यज्ञ में हिस्सा लिया और काम को बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता थी उसकी जिम्मेवारी भी ली है। मैंने स्वयं उनको गरीबों के प्रति उनकी संवेदना, काम करने की उनकी धगस खुद ने देखा है, अनुभव किया है। हमारे गुजरात में भी आदिवासी क्षेत्र दाहोद में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जो काम किया है, लोग आज भी याद करते हैं। और आपको हैरानी होगी, हमारे यहाँ नॉर्मली गुजरात में भी और बाकी जगह पे जहाँ खेती होती है उसको खेत बोलते हैं, लेकिन दाहोद के लोग उसे फुलवाड़ी बोलते हैं, क्योंकि सदगुरु ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ के किसानों को खेती करने का नया रूप सिखाया गया। वो फूलों की खेती करने लगे और फुलवाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, और आज उनके फूलों की पैदावार मुंबई तक जाती है। इस सब में अरविंद भाई के प्रयासों की बड़ी भूमिका है। मैंने देखा था उनमें सेवा को लेकर एक अलग ही जुनून था। वो कभी अपने आप को दाता कहलाना पसंद नहीं करते थे और न ही ये जताने देते थे कि वो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई दूसरा भी अगर उनके साथ सहयोग की इच्छा जताता था तो वो कहते थे कि आपको पहले काम देखने के लिए वहां रूबरू आना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को कितना ही कष्ट क्यों ना हो आपको आना पड़ेगा, और तब जाकर के आप सहयोग के लिए सोचिए, उसके पहले नहीं है। उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को जितना मैंने जाना है, उससे मेरे मन में उनके मिशन के लिए एक इमोशनल कनेक्ट बन गया है। इसलिए मैं अपने आप को इस सेवा अभियान के एक समर्थक, एक पुरस्कृत करने वाला और एक प्रकार से आपका सहयात्री के रूप में अपने आप को मैं देखता हूं।